केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 50वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक। सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान में टैक्स भी दी गई छूट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जलभराव प्रभावित गांवों का किया दौरा। कहा, केंद्र से मिल चुकी है बाढ़ राहत के लिए 216 करोड़ रुपए की पहली किश्त, बाढ़ राहत कार्यों में करेंगे इस्तेमाल। 2024 के चुनाव को लेकर गुरुग्राम में भाजपा की छोटी टोली की हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन पूरी तरह है तैयार। और प्रदेश के सभी स्कूलों में रेडक्रॉस बांटेगा 3,300 निशुल्क फर्स्ट एड बॉक्स। राज्यपाल ने ट्रक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कई मायनों में खास रही। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल पर डाक टिकट भी जारी किया। परिषद में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी को मंजूरी दी, तो साथ ही कैंसर समेत कुछ गंभीर रोगियों की दवाइयों पर टैक्स छूट का फैसला लिया। So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are three items on which exemptions have been provided. Then on five items we have regularized for those earlier periods in which some people paid, some did not pay, because there were duality of rates or classification confusion or issues related to classification, and as a result some people pay, some people don't. There's a lot of confusion about it. उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामानों में टैक्स छूट दी गई है, जिसके बाद सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान सस्ते हो जाएंगे। निजी संस्थानों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च पर भी जीएसटी में छूट मिलेगी। On the taxability of food or beverages served in cinema hall, I would like Revenue Secretary to elaborate on it a bit later. So on the services, there is a set of decisions which of which one of them will be attractive, but I'll let you know about the others as well. On the GOM, recommendation particularly on casinos, race courses and online gaming, something on which the GST Council had formed a GOM in October of 2020, and since then this has gone round, second round of GOMs, the same GOM went through the whole matter again for the second time. वित्त मंत्री ने कहा कि बिना पके बिना तले स्नैक्स पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। नकली जरी के धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज इंद्री क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वे प्रभावित लोगों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को बाढ़ के कारण हुए जान माल के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र से बाढ़ राहत की 216 करोड़ रुपए की पहली किश्त राज्य सरकार को मिल चुकी है। इसे सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से बाढ़ राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 1,25,000 एकड़ में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। उसके बाद करनाल और पानीपत में आई दरार से नुकसान हुआ है। जैसे ही पानी उतरेगा तो इसका आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना में पानी का स्तर कम हुआ है, जैसे ही पानी 2 फुट और कम होगा टूटे तटबंध की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे पास लगभग 1,25,000 एकड़ की कल शाम तक की रिपोर्ट है। उसके बाद ये 2 ब्रीचेस करनाल और पानीपत जिले में हुए, इससे एडिशनल जो क्रॉप लॉस होगा वो असेस किया जाएगा। जहाँ घरों का, पशु का, किसी की ह्यूमन लाइफ का, इमीडिएटली सारे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दे दिए गए कि आप अपना असेसमेंट रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस बैठे। परसों होम मिनिस्ट्री में दिल्ली बात भी हुई थी और 216 करोड़ रुपया SRDF की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट को उनने कल ट्रांसफ़र कर दी, और हर डिप्टी कमिश्नर को भी हमने
पैसे भिजवा दिए हैं कि एटलीस्ट ड्राई राशन हो, पीने का पानी हो, सोलर लैंप्स हो, ऐसी व्यवस्था कहीं जो डेरों में फंसे हुए लोग हैं छतों पर बैठे उनके लिए तिरपाल हो, इमिडिएटली उनके लिए ये सारी व्यवस्था कर उनको तो। गाँव में अभी भी पाँच पाँच दस दस फुट पानी फ्लो के साथ है, जो डांगरी टूटी है वहाँ पर एयरफोर्स की मदद से फिर खाने का सामान गांव में भिजवाया जाए। कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाया जाएगा कितना अनुमान नुकसान इस इलाके में, मगर वार्निंग टाइमली इशू कर दी गई थी तो इवैक्यूएशन कोई पशुओं के थे और किसी के खुद के चीज़ों के थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज अंबाला के जल भराव प्रभावित ग्रामीण इलाकों का जायजा ले रही ट्रैक्टर से पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को एयरफोर्स से मदद लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के अलावा अन्य जिलों से नाव मंगवाने व तिरपालों की व्यवस्था करने के साथ निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जहां नाव से संभव न हो वहां हेलीकॉप्टर से राशन व जरूरी सामान पहुंचा जाए। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों से भी बात की। चार फुट पानी रिसेंट किया है और कई ऐसे गांव हैं जो अभी अनटच्ड हैं, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स की मदद लेके खाना घरों तक ड्रॉप करवाए। बिल्कुल आर्मी अपना काम करी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अपना काम करी, स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, मगर जिन गाँव में अभी भी क्योंकि फ्लो ऊपर से आ रहा है पानी का मोबिलिटी नहीं हो पा रही वहाँ पर एयरफोर्स की मदद से खाना हम ड्रॉप करवाएंगे। कोई इवैक्यूएशन है तो इवैक्यूएशन, मेन खाना पहुँचाने की एट प्रेजेंट तो वही कर वो वहाँ से खेरा गांव से निकल ली और जल्दी उसको हॉस्पिटल पर। उप मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक अमला भी रहा। इस दौरान अम्बाला की डीसी डॉक्टर शालीन ने बताया कि अभी जल स्तर कम हुआ है जिससे मदद तेज की गई है। अम्बाला पुलिस भी सेना व एनडीआरएफ के साथ मिलकर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अम्बाला हिसार मार्ग को छोड़कर सभी हाईवे खोल दिए गए हैं। अभी तक जो यहाँ नगल गाँव और इसके आसपास के 10-12 गाँव में फ्लडिंग है, ऑलमोस्ट 4-5 फुट तक पानी है। कल के कंपैरिजन में स्थिति ठीक है और नदियों के अंदर भी पानी जो है पहले से काफी नीचे आया है। ओवरऑल जिले की जो स्थिति है इम्प्रूव कर रही है। अभी सुबह सुबह आर्मी की एक टीम गई थी और वो उसको रेस्क्यू करके ले आई है। जो अंदर के एरिया तक पहुंचाने के लिए जहां तक बोट से एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है, वी आर सीकिंग द हेल्प ऑफ द एयरफोर्स, अभी हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। फतेहाबाद में घग्गर नदी उफान पर है जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने जहां बाढ़ से बचाव के पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया है, वहीं किसानों को फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा है। एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि हिमाचल तथा पंजाब में भारी बारिश के कारण रतिया क्षेत्र से गुजरने वाली घग्गर नदी में पानी भरा है। बाढ़ के किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तटबंध को मजबूत किया जा रहा है। पंप सेट, जनरेटर, चप्पू और नाव आदि की व्यवस्था की गई है। आज भी हमने एक मीटिंग कॉल कर लिया जिसके अंदर सभी अधिकारी को बुलाया, जिस जिसकी जो ड्यूटी है उसके लिए उनको सभी को तैनात कर दिया। हमने यहाँ पे एक फ्लड कंट्रोल रूम बना दिया जो तहसील के अंदर है, उसका नंबर भी हमने पब्लिश कर दिया। उसके अंदर बकायदा हमने डे नाइट ड्यूटी लगा दी है, कहीं से भी अगर किसी भी जगह से कोई कॉल आती है तो हमारी जो टीम है वहाँ पर तुरंत पहुँचेगी। उसके अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें हमारे जो रंगोरी नाला हो रहे थे कि साथ साथ और भी साफ सफाई चल रही है वो पहले भी करवाई गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उन सभी को भी हमने एक मैसेज दे दिया है कि आपके कहीं भी आबादी में कहीं पर कोई पानी आपको लगता है कि आने की आशंका है तो आप अपने लेवल पर वहाँ अपना खर्चा करके उसको ठीक करवा सकते। बाढ़ की आशंका से घबराए रतनगढ़, पालसर, कमाना, गमलगढ़ के किसानों ने बताया कि घग्गर का जल स्तर काफी बढ़ गया है जिससे उन्हें चिंता है कि कभी भी यह पानी उनके खेतों में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये चिंता जायज है क्योंकि फसलें खराब होगी और इधर गाँव में या कुछ घग्गर नदी के पास उनको भी दिक्कत है, तो उन्होंने अपना बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन फिर भी प्रशासन को देखना चाहिए। नहीं दिनों दिन जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं बाद में इतना ना बच जाए कि बाद में दिक्कत का सामना करना पड़े, तो इससे पहले ही आप अपने समाधान कर ले जिससे हमारी फसलें और गाँव में पानी बढ़ने से पहले हम रोक सकें। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश ने तबाही मचाई है और वो पानी घग्गर नदी के अंदर पीछे भी अम्बाला की तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है और अब हमारे रतिया शहर में और आसपास यहाँ पर बस रहे लोगों के और
खेतों की फसलों को बहुत ज़्यादा मतलब डर का माहौल है जमींदारों के अंदर कि पानी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा संज्ञान ले और कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करे यहाँ की जनता को। किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट भी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, धान की फसल बिल्कुल पीक पे है, सारे हर कोई अपने खेत में लगा हुआ है काम करने में, लेकिन पानी का डर अभी भी सता रहा है। घग्गर नदी में बरसाती पानी के कारण जलस्तर बढ़ने से सिरसा में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बाढ़ प्रबंधन कार्यों का जायजा लेने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ओटू हेड पहुंचे। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि फिलहाल सिरसा में किसी भी प्रकार से खतरे की कोई बात नहीं है, फिर भी वह प्रबंधों का जायजा लेने आई है। हम उस पानी का उपयोग उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जिन इलाकों में इसकी जरूरत है। अभी यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई किसी तरह की चिंता की अभी बात नहीं है, सुरक्षित है सब कुछ। और हम अभी हमारी इतनी कैपेसिटी है कि पानी का हम और भी बहाव जो है यहाँ पर सहन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम बल्कि इसको चाहते हैं कि ऐसे हिसाब से मेरी बात हुई है कि इसको हम रोक के जहाँ पर हमारे पानी नहीं है, जैसे जो शेरांवाली माइनर की तरफ है वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, हम उस पानी को उधर डाइवर्ट करेंगे क्योंकि वहाँ बिल्कुल सूखा है, वहाँ पानी नहीं है और यहाँ पर पानी की जो है तादाद वो बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी कोशिश है, तो इसलिए मैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आई हूँ। और आपके माध्यम से मैं सभी आम जनमानस से भी ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ठीकरी पहरा वगैरह भी लगाएं। अधिकारी बिल्कुल जो है वो यहाँ पर अलर्ट हैं, लेकिन वो भी जो है वो ठीकरी पहरा वगैरह लगाएं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि चैनल व हेड के दोनों किनारों को मजबूत करने के अलावा जहां भी कटाव की संभावना है वहां मिट्टी डालकर उसे मजबूत बनाया जाएगा। एसडीएम व विभाग के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी व निरीक्षण के आदेश दिए हैं। जहां पर कहीं ब्लॉकेज है कुछ है उस पे जो है मैन पावर लगी हुई है, बीच में कई जगह पे जो इनकेस अगर फ्लडिंग होती है तो उसके लिए मशीनरी कहाँ कहाँ खड़ी करनी है, वो पॉइंट्स देखे गए, मशीनरी किसको खड़ी करनी है, डिपार्टमेंट को पंचायत को भी डिस्कस करके दिशा निर्देश दिए गए। और अभी जो है जो लेवल को देखते हुए जो है अभी अभी के समय जो है ओटू हेड पे अभी जो है फ्लो बंद कर रखा था, बट अभी इसको थोड़ा थोड़ा रेगुलेटेड तरीके से उसको आगे करेंगे ताकि पीछे का जो पानी है धीरे धीरे वो आगे निकलता है। जितने भी प्रशासन है उसमें सभी विभाग हमारे चाहे हमारे सब SDM हो गए, तहसीलदार हो गए, इरीगेशन विभाग हो गया, बाकी और भी जितने विभाग हैं, बिजली का महकमा हो गया, तो जितने भी संबंधित विभाग जितने जुड़े हुए वो पॉइंट्स हमने बनने पर पॉइंट आइडेंटिफाई किए और आगे जो स्थिति को देखते हुए अपस्ट्रीम मॉनिटर किया जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर गुरुग्राम में आज भाजपा की छोटी टोली की बैठक बुलाई गई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और तीनों संगठन मंत्री शामिल रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिनों में सभी मोर्चों की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाएगी। गुरुग्राम और मानेसर के नगर निगम चुनाव पर धनखड़ ने कहा कि जब भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा संगठन पूरी तरह से तैयार है। पार्टी उसके लिए तैयार है, जो ही सरकार अनाउंस करेगी हम लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं। और अगले थोड़े समय में ही 5 चुनाव और भी आएंगे, हिसार, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर। संगठन पूरी तरह से तैयार है, जो ही चुनाव आयोग डेट घोषित करेगा हम पूरी तरह से तैयार। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को हिसार में सभी मंडल अध्यक्षों, विस्तारकों और जिलाध्यक्षों की एक बैठक की जाएगी जिसमें संगठन को पूरी तरह से मजबूती के साथ मैदान में उतरने पर भी मंथन किया जाएगा। धनखड़ ने बताया कि 23 जुलाई को कुरुक्षेत्र लोकसभा की एक रैली बची हुई है, यदि बारिश की स्थिति ठीक रहती है तो प्रस्तावित तारीख को ही इस रैली को किया जाएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली बाकी है, अभी उसकी प्रस्तावित तारीख 23 जुलाई है, लेकिन इस पानी के कारण से एक बार अगर वहाँ लगता है कि सब चीज़ें व्यवस्थित हो गए तो इसी पर करेंगे, नहीं तो 22 जुलाई को हम पूरे हरियाणा के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक आगामी कार्यक्रमों को गति देने के लिए वो हिसार में करने जा रहे हैं। इसमें जो कैलेंडर आज हमने छोटी टोली में बैठकर बनाया है वो पूरे अगले समय का कैलेंडर उनके साथ साझा हो सके, जो एक्टिविटी तय की गई है पार्टी ने जो इस अगले महीने के लिए वो सारी उनके साथ साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई के बीच फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को फ्रांस बेस्टिल परेड में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत करेंगे, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी भी बेस्टिल परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री और सीनेट नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से अलग से बातचीत करते नजर आएंगे। इसके बाद 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी बातचीत करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वे नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि देश में दवाइयों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने बताया कि औषधि बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर ही औषधि क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति निर्धारित होती है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दवा उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकारियों ने जोखिम आधारित निरीक्षण और संयंत्रों की जांच का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 137 कंपनियों का निरीक्षण किया गया और 105 के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा के राज्यपाल एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के राज्य शाखा प्रधान बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी स्कूलों में रेडक्रॉस द्वारा 3,300 निशुल्क फर्स्ट एड बॉक्स को ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा रेडक्रॉस शाखा द्वारा सरकारी स्कूलों में भेजे जा रहे फर्स्ट एड बॉक्स सराहनीय और अच्छी सोच का कार्य है। स्कूलों में खेलने के दौरान अचानक छोटे बच्चों को चोट आदि आ सकती है, उस समय यह बॉक्स प्राथमिक सहायता प्रदान करने में कारगर होंगे। वहीं सोसाइटी के महासचिव मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 75-75 फर्स्ट एड बॉक्सों को जिले के ग्रामीण स्तर के सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। अब खबरें फटाफट। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अरावली सफारी और रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास के लिए किया आमंत्रित। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 7,800 से अधिक अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था आज जम्मू आधार शिविर से रवाना। सरकार ने 2025 से बनने वाले ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशनर सिस्टम अनिवार्य बनाने की सूचना का मसौदा किया जारी। और अपराध और सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन कल से गुरुग्राम में शुरू। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।